हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मण सैनी, लक्ष्मण हेल्थ से। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में खून की कमी होने पर हम कौन सी मेडिसिन ले और क्या डाइट ले जिससे हमें प्रेगनेंसी के टाइम जो हमें ब्लड एनीमिया की कमी आ जाती है जिससे हमारी डिलीवरी में काफ़ी समस्याएं आ जाती है। तो हम इस समस्या को निजात दिलाने के लिए हम डॉक्टर के एडवाइस से कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए और कौन सी डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए जिससे हमारे शरीर में जो एनीमिया, जो खून की कमी होती है उसको पूर्ण रूप से कम किया जा सके। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन या प्रेगनेंसी के टाइम पर महिलाएं काफ़ी लापरवाही कर जाती है जिससे कि वो अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाती और इसके कारण जो खुद और बच्चे जो पेट में पड़ रहा है बच्चे उसका भी ध्यान रखना होता है जिससे उसकी बॉडी में आयरन की कमी आ जाती है जिसको हम ब्लड की कमी आना बोलते हैं। दोस्तों इसके अनुसार हम क्या डाइट ले जिससे कि हमारी आयरन की कमी, जो ब्लड की कमी आई है वो पूर्ण रूप से पूर्ण हो सके। दोस्तों इसके लिए हम डॉक्टर की एडवाइस से जो टैबलेट लिखते हैं डॉक्टर, जैसे कि कैल्शियम की टैबलेट, फॉलिक एसिड, आयरन की टैबलेट का यूज करना चाहिए। दोस्तों इनको डॉक्टर की एडवाइस के द्वारा ही लेनी चाहिए। दोस्तों इसके साथ में हम घरेलू नुस्खे क्या क्या ले सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों अपनी डाइट में आप गुड़ ले सकते हो, सुबह शाम मॉर्निंग में कभी भी आप गुड़ ले सकते हो। इसके साथ में ही गाजर का सेवन कर सकते हो, एप्पल है, एप्पल के साथ में अनार ले सकते हो, चुकंदर है और हरी सब्जियों का आप प्रयोग कर सकते हैं जिसमें पालक है, मेथी है, ऐसी हरी सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। यह हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ब्लड की कमी आ जाती है उसको पूर्ण रखने का कार्य करते हैं। दोस्तों और इसके बाद में हमें प्रेगनेंसी होने पर समय समय पर डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए और डॉक्टर की एडवाइस के द्वारा ही हमें उनके द्वारा जो फॉलिक एसिड, कैल्शियम की टैबलेट दी जाती है उनको प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।